नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर, चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेदर्दी से हत्या कर तालाब में फेंकी लाश, बिगड़ा गांव का माहौल, छावनी में बदला पूरा गांव, सात संदेही हिरासत में। जांजगीर जिला के नवागढ़ में युवक की लाश मिलने के बाद हत्या की आशंका में गाँव में आक्रोश पनप गया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, गांव पूरा छावनी में बदल गया था। इस बीच हत्या में शामिल सात संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें दो महिला भी शामिल है। दरअसल मंगलवार को मृतक रामेश्वर दिगस्कर मंगलवार की रात अपनी बेटी का जन्मदिन घर में मनाया, जिसके बाद वह अपने मित्र अशोक दिलवाला, प्रदीप किरण और रवि किरण के साथ टहलने के लिए निकला। वह तालाब के पास बैठे थे, इसी दौरान तालाब में गाँव के ही कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ आए, जिसके बाद तीनों दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो गए, जबकि रामेश्वर वहां से भाग नहीं पाया और आज सुबह उसकी लाश प्लास्टिक के बोरे से लिपटी हुई तालाब में तैरती हुई मिली है। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते गांव में तनाव का माहौल गर्माने लगा। सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी। गांव में किसी अनहोनी को देखते हुए भारी पुलिस भेजा गया। परिजनों ने यादव परिवार पर हत्या का संदेह जता रहे थे। मृतक के साथ उस रात तालाब के पास गए दोस्तों ने भी इन्हीं लोगों की ओर इशारा किया, जिससे परिवार के लोग हत्या करने का संदेह को लेकर आक्रोशित हो गए। इसी बीच सूचना मिली कि तीन आरोपियों ने जांजगीर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद गाँव का माहौल और गर्मा गया। पुलिस ने गांव में विशेष बल तैनात किए। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच संदेही परिवार के चार और लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई, जिसमें दो महिला भी शामिल है। मृतक की लाश को तालाब से निकालने के बाद परीक्षण किया गया तो पता चला कि पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, साथ ही सिर पर भी किसी भारी वस्तु से मारने का चोट के निशान थे। संभवतः इसी चोट के बाद युवक की मौत हुई होगी। मृतक के दोस्तों ने बताया कि जिस तालाब के पास वे लोग थे, उस तालाब से दूर एक अन्य तालाब में मृतक की लाश मिली है। साथ तालाब के किनारे घसीटने के निशान भी मिले हैं, जबकि मृतक का चप्पल भी वहीं पर बिखरा हुआ मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि यहां पर हत्या करने के बाद दूसरे तालाब में शव को फेंका गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने तीन दोस्तों के साथ रात में तालाब किनारे बैठे थे। तालाब की कुछ दूर में ही यादव परिवार का घर है। आशंका जताई जा रही है कि देर रात तालाब के पास हलचल को देखकर परिवार वाले उन्हें पकड़ने को दौड़ाए, जिस पर तीन दोस्त अशोक, प्रदीप और रवि वहां से भागने में सफल हो गए, जबकि मृतक उनके पकड़ में आ गया। मोर नाम है अशोक कुमार बिलवाला। हम चार व्यक्ति रहे जमा मछली मारे आ रहे हैं, तो 11:30 बजे रात की घटना सर, और पुलिस के पकड़े मगर से तो ऐसे के मतलब डर में भाग गए ना मन आले पकड़ दारे के नहीं जाना था सर। रमेश्वर सूर्यवंशी का और अगर बाद में बेलागन पता चली इसके मार के फेंक दिया तालाब भेदो भेदो संतोष यादव उमन तीन चार जने से चारों बाप बेटा आले पकड़ के पीटे मार दे जान से मार के तालाब फेंके तब तो बेलागन पता चली से ओकर लाश मिली सका बस गोसाई हमन के मांग है सर के खून के बदला खून मला मारबो जान से हम मन लो कोई कार्रवाई नहीं करन बचाव के लिए तहसीलदार आए है एसपी आए सब आए पूरा पुलिस फोर्स आए ओला मारबो सीधा मारबो का था मन गांव बस्ती मिलके और मारे है तमुन मारबो हम हमन के कहना चोरी करी तो पकड़ा गए तो कम से कम ला बला ले तीस को ला 31 और जान से नहीं मारना रही से और जान से मार के फेंक दी तक हम उनके कहना है कि ओकर मार बूझ के रात्रि में रामेश्वर दिघस्कर की मृत्यु हो गई थी, जिसका शव गांव महंत ग्राम के गोसाई तालाब में प्राप्त हुई है। उसके पंचनामा कार्रवाई कर आगे कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि यादव परिवार के ऊपर, इसकी मर्ग के जांच के दौरान मामले को किया जाएगा और पोस्ट बाड़ी के पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो सकेगा। एफएसएल के भी अधिकारी बुलाए गए हैं जो लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे जांच के बाद जांच में जो तथ्य प्राप्त होंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं गांव वालों से सभी से अपील करना चाहूँगा कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखें।